सो फ्रेंड्स, उत्तराखंड की बोर्ड की ओर से एक लेटेस्ट अपडेट आया है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो अपडेट है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंटेनमेंट जोन में है, उनके लिए तो सबसे खास अपडेट है ही है। उसके अलावा थोड़ी बहुत उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। इससे पहले चैनल पर नए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो करना ना भूलें। तो जी हाँ फ्रेंड, औसत नंबर से संतुष्ट नहीं होने पर परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा। ये कहना है कि अगर उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट, जैसे आपको मालूम है, अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास ही आते हैं कि बोर्ड की जो रिज़ल्ट है कब आ रहा। तो आपको मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स ये लास्ट ऑफ जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी कि इस दोनों के बीच के अप्रॉक्सीमेटली ये आ सकता है। तो आप ये डायरी पे अपने नोट कर लीजिए, लास्ट ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे कंटेनमेंट जोन में, उनका जो इवोल्यूशंस होगा वो उनके मार्क्स के आधार पर होगा, जो उसके उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होगा। यानी कि उन्होंने जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिए हैं उसके आधार पर, मैं एक अलग से वीडियो इस पर लाऊँगा कि किस तरह से कैसे इनका असेसमेंट होगा, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यानी कि इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि अधिकतम 3 विषयों के नंबर वाले, मतलब अगर आपने 3 एग्ज़ाम दे दिए तो मैक्सिमम आई थिंक जो भी कंटेनमेंट जोन में है उनका एक ही पेपर शायद अगर छूटा होगा। आपका कितना छूटा है मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइएगा, यदि आप कंटेनमेंट जोन में आए थे या नहीं आए थे। सबसे पहले मुझे चैनल पे नए तो यार लाइक करो, उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके अलावा खास बात यह कि विद्यार्थियों को औसत नंबर, यानी कि अगर कोई संतुष्ट नहीं होता है कि उसके, जैसे ये बहुत सी शिकायत आ रही है कि अभी ICSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम आया था उसके और कुछ बोर्ड के और जो एग्ज़ाम आए उनमें कुछ स्टूडेंट जो है संतुष्ट नहीं है इस एवरेज मार्किंग से। लेकिन यार मैं ये बोलता हूँ, इस पैंडमिक की सिचुएशन में तो थोड़ा बहुत तो आपको मतलब क्या बोलते हैं, चीज़ों से एडजस्टमेंट करना तो सीखना पड़ेगा। तो लेकिन इसका भी एक ऑप्शन दिया है, जिसे CBSE ने दिया है, वैसे भी UK बोर्ड ने दिया है, वैसे भी UK बोर्ड CBSE को कॉपी करता ही है। तो आपकी क्या राय है इस विषय में मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा और ट्विटर पर। तो फ्रेंड्स, ये कहना है उत्तराखंड बोर्ड का कि अगर जो बच्चे औसत अंकों के मार्क्स पाने पर भी अगर संतुष्ट नहीं है तो वो एग्ज़ाम के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं बाद में, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। आई थिंक ये तो मुझे लगता नहीं कि कोई करेगा, और बाद में कब एग्ज़ाम होगा इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। आपकी क्या राय है इस विषय में मुझे बताएगा। जैसे कि इन्होंने कहा है कि इसके बाद विद्यार्थी को रिजल्ट जारी होने के 1 माह में बोर्ड को आवेदन करना होगा। जैसे कि मतलब इन्होंने यहाँ पर क्लियर लिखा है कि 1 माह के अंदर आप ये आवेदन कर सकते हैं, 1 माह के अंदर। लेकिन क्लियर इन्होंने ये डेट नहीं बताई है कि किस तरह से कैसे और क्यों होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो रिज़ल्ट के बारे में इन्होंने बोला है कि आपका रिज़ल्ट, जैसे मान लीजिए अगर आप आवेदन करते हैं तो 1 माह में जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि जिस तरह मान लीजिए अगस्त में आपका रिज़ल्ट आता है तो सितंबर में इसको अप्लाई कर सकते हैं एज ए स्क्रूटनी, मान लीजिए आपको इसको ठीक है सितंबर में कर सकते हैं। तो उसके अप्रोक्सीमेट 1 महीने बाद अक्टूबर में इसका रिजल्ट आएगा और सेशन आपका स्टार्ट होने की संभावना मोस्ट ऑफ नवंबर में है। बाकी यार कह तो ये ऐसा रहे हैं, बाकी इन्होंने एग्ज़ाम को लेकर क्या किया था आप खुद ही समझ सकते हैं। आपकी क्या राय है इस संबंध में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यार तो वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद भारत, जय उत्तराखंड।